हेलो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ मैं स्प्रिंग ऑनियन का, और स्प्रिंग ऑनियन से जो है आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया स्नैक्स जो आप सबको पसंद आएगा। जी हाँ, आज हम बनाएंगे स्प्रिंग ऑनियन से और हरे प्याज से जो है पकौड़े बनाएंगे। तो मैं किस तरह से पकौड़े बनाती हूँ तो आज उसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो है ये एक बंच के करीब जो है करीब 10 से 12 जो है इसमें पत्तेदार जो है हरी ये ऑनियन है। तो अब जो है इसको हम सबसे पहले जो है काट लेते हैं। काट लिया तो अब जो है हम हरी मिर्च को काट लेंगे। यहाँ 3 से 4 जो है मैंने हरी मिर्च लिया है जिसको मैं बिल्कुल फाइन चॉप कर लूंगी। और यहाँ पे जो है धनिया जो कटी हुई है धनिया इसमें ऐड करेंगे। और ये 1 टीस्पून जो है अदरक है बिल्कुल बारीक कटा हुआ है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये हल्दी पाउडर जो है 1 टीस्पून वो हम ऐड करेंगे। अब इसमें जो है हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पे जो है 1 कप जो है बेसन है वो ऐड करेंगे। और ये जो है 2 टेबल स्पून जो है चावल का आटा है वो हम ऐड करेंगे। और लास्ट में ये 1 छोटा चम्मच जो है नमक है वो हम ऐड करेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालें फ्रेंड्स। और इन सबको अच्छे से हम मिलाएंगे। पकौड़े का जो मिक्सर है तैयार हो चुका है तो हम इसको साइड में रख देते हैं। और तब तक ऑयल जो है गर्म हो रहा है, और यहीं पे साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स पकौड़े तो चटनी के बिना अधूरा है, तो साथ ही साथ हम जो है चटनी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये 4 हरी मिर्च है वो हम इसके अंदर डालेंगे, और ये हरी धनिया है वो हम इसके अंदर डालेंगे। ये अदरक है थोड़े से ये डालेंगे। लहसुन के 5-6 कलियां है वो डालेंगे। और यहाँ पे ये टमाटर है, टमाटर को भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसे जो है हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो चटनी हमारी पीस चुकी है, तो इसी समय हम थोड़ा सा नमक डाल के और एक बार और इसे हम चला लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब यहाँ पे जो है हम इस तरह से पकौड़े डालते जाएंगे। जो है हम पलट लेंगे। पकौड़े जो है इस तरह से इतना ही आपको क्रिस्पी करना है। काफी अच्छे से ये पकौड़े जो है क्रिस्पी हो चुका है, तो अब जो है हम एक एक करके इसमें जो है निकाल लेंगे। जैसे फ्रेंड्स हम सारे पकौड़ों को जो है इस तरह से लगा लेंगे, तो पकौड़े और चटनी इस तरह से आप जो है इसका स्वाद ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।